और चलिए अब बात करते हैं हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की। और सवाल ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में हार के डर से बौखला गई है? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब पुलिस वालों को भरे मंच से धमकाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में पुलिस वालों को सरेआम धमकी दे रहे थे, दादागिरी दिखा रहे थे। सवाल ये भी है कि इस तरह के भरे मंच से पुलिस के साथ बदसलूकी कर क्या ओवैसी को वोट मिलेंगे? मेरी घड़ी आपको दे, फिर चलिए चलिए चलिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं, अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए आप, फिर क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले। चंद्रन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। चेहरे पर तमतमाहट थी और जुबान पर तलखी। मजलिस का मंच सजा था, सामने समर्थकों की भीड़ थी। रात 10 बजे का वक्त था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जूनियर ओवैसी पूरे ताव में आ गए। भाषण देते देते शब्दों की मर्यादा भूल गए, खुल्लम खुल्ला दादागिरी पर उतर आए। ड्यूटी कर रहे एक इंस्पेक्टर से निपटने खुद मंच से नीचे चल दिए। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। जिसने भी जूनियर ओवैसी के तेवर देखे वही कहने लगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में दादागिरी पर क्यों उतर आए? जूनियर ओवैसी को किस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पुलिस को धमका दिया? क्या ये तमतमाहट तेलंगाना में हार के डर का साइड इफेक्ट है या फिर मुस्लिम वोटों के लिए जूनियर ओवैसी का ये नया स्टंट है? भड़काऊ भाईजान का ब्लड प्रेशर अचानक इतना क्यों बढ़ गया, ये जानने के लिए आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का 5 मिनट वाला ये पूरा कांड सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। असल में हैदराबाद के ललिताबाग इलाके में अकबरुद्दीन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त एक सभा कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक किसी भी नेता को रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार और सभा करने की मनाही होती है। लिहाजा वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें प्रचार करने से रोकने की कोशिश की तो छोटे ओवैसी भड़क गए, वो मंच से ही इंस्पेक्टर को धमकाने लगे। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है छे ओवर बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो,
ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ देख लेते हैं तुम जीते या हम। सवाल ये है कि हैदराबाद में इस तरह पुलिस वाले को धमकी देना, इशारा किया तो दौड़ना पड़ेगा, ये कहना क्या बयां करता है? चंद्रान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ा है? क्या ये अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अगर समर्थक भड़क जाते तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर की लिंचिंग भी हो सकती थी, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होती? सवाल ये भी है, क्या छोटे ओवैसी हैदराबाद में पुलिस और कानून से ऊपर हैं? बहरहाल जूनियर ओवैसी ने धमकी दी तो बड़े भाईजान ओवैसी सफाई देने सामने आए, उल्टा सवाल दाग दिया, 5 मिनट पहले रैली को बंद करने को क्यों कहा गया? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो टाइम हो गया, ये क्या है, क्या ये कैसा बिहेवियर है बताइए, आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो टाइम हो गया, बंद करो टाइम हो गया, और ECI के कैमराज है, आप कैमराज से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ECI कैमराज हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता, अब तो पुलिस वाले फोटो लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते, तो ECI को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ECI से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले। सीनियर ओवैसी हमेशा की तरह अपने छोटे भाई का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर यही धमकी किसी BJP या कांग्रेस के नेता ने दी होती क्या तो भी असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन यही होता? असल में ओवैसी की पार्टी AIMIM की पैकेजिंग कुछ ऐसी ही है, इसमें बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी संविधान की, कानून की, नियम कायदे की बात करते हैं, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी की बात करते हैं। ओवैसी पार्टी के डिप्लोमेटिक चेहरे को सामने रखते हैं तो छोटे ओवैसी भड़काऊ चेहरे को। कांग्रेस की वजह से मोदी वजीर आजम बना, इन्हों अगर अच्छे होते तो 2 बार वजीर आजम बनता ही नहीं था, वो कांग्रेस की कमजोरियों नाहेली की वजह से BJP इख्तदार पर है आज, और किसको नुकसान हो रहा, इनके बड़ों को नुकसान हो रहा, किसका घर तोड़ा जा रहा, किसका इनकाउंटर हो रहा, किसके सर से हिजाब खींचा जा रहा, किसके मस्जिदों से उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर निकाला जा रहा, किसको हथकड़ियों में गोली मारी जा रही, अरे तुम्हारी वजह से BJP इख्तदार में है। पार्टी में दोनों ओवैसी बंधुओं ने अपने किरदार को बड़ी अच्छी तरह से बांट कर रखा है, जो बातें बड़े मियां बोलते हैं वो बातें आपने छोटे मियां को बोलते कभी नहीं सुना होगा, और जिन तेवरों से छोटे मियां बात करते हैं उससे ओवैसी कोसों दूर रहते हैं। हाँ, छोटे मियां को घड़ी देखने का बड़ा शौक है, चाहे बात 5 मिनट की हो या फिर 15 मिनट की। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। वो चाहे बड़े ओवैसी हो या फिर छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, भड़काऊ बयान देना ओवैसी ब्रदर्स का वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिस पर अभी तक उनकी राजनीति चमकती रही है। अपने इन्हीं तेवरों से वो अपने कोर वोट बैंक को लुभाते आए हैं, लेकिन इस बार जूनियर ओवैसी की जुबान से जब बात निकल गई है तो दूर तलक पहुंची है। विपक्षी दलों ने बयान की मजम्मत की है तो ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर को धमकाने के आरोप में जूनियर ओवैसी पर संतोष नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई तो बाबा रामदेव ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि पतंजलि के खिलाफ पिछले 5 साल से प्रोपेगेंडा चल रहा है। मीडिया के सामने आए बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात भी कही और मेडिकल माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में जो कुछ कहा उसने पतंजलि के मार्केट पर असर डालना शुरू कर दिया है। और क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को क्या फटकार लगाई, इस रिपोर्ट में देखिए।
मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है, अब उनको मिर्ची लग गई। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। बाबा रामदेव गुस्से में हैं। लंबे वक्त बाद बाबा रूप में दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर बाबा रामदेव के गुस्से क्या है? तो आपको बता दें कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। ये फटकार IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर लगाई गई, जिसमें कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन पब्लिश करवा रहा है और गलत दावे कर रहा है। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वो इस मामले का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा ये टिप्पणी भी की गई कि वो इस मुद्दे को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। कोर्ट ने क्या कहा ये आपने देख लिया, अब एक बार इस पूरे मामले को समझ लीजिए। दरअसल इस मामले का कनेक्शन कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था, तब पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उसकी प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज हो सकता है। इस दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने भी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी और तुरंत इस प्रोडक्ट के प्रमोशन पर रोक लगाने को कहा था। बाद में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उस सुनवाई के बाद आज बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए और आरोप लगाने वालों को कड़ी चुनौती दे डाली। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। अपने दावे के सही साबित करने के लिए बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने कुछ मरीजों की परेड भी करवाई। दावा किया इन लोगों में वो मरीज भी शामिल है जिन्हें Type 1 डायबिटीज थी और वो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले Type 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े होना, इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। Type 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू जलेबी रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 90-100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने ये आरोप तक लगा दिए कि मेडिकल जगत में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है। पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है। इसके अलावा अपने दावों को सही ठहराने के लिए बाबा रामदेव ने कुछ मेडिकल जर्नल भी मीडिया को दिखाए। उनके आधार पर कहा गया जो कुछ वो कह रहे हैं वो सब सही है। सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं, योग के भी वो प्रकाशित हैं, पूरे आयुर्वेद के भी, और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इशारों में बाबा रामदेव ने मेडिकल फील्ड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को घेरने की कोशिश की। इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल नोबल मिलना चाहिए और हमको झूठा बोला जाता है। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव के तेवर चढ़े हुए दिखे, वो पूरी तरह गुस्से में नजर आए, मगर ये कहने से नहीं चूके कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन पतंजलि के द्वारा भ्रामक प्रचार के आरोपों को गलत बताया। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर पिछले साल भी कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
दरअसल पतंजलि आयुर्वेद का मार्केट करीब 500 करोड़ का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मार्केट पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। पहले भी ऐसे कई मामले देखे गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से गिरे हैं। इसलिए इस पूरे मामले में सफाई देने के लिए खुद बाबा रामदेव सामने आए, जबकि कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर की गई है और पतंजलि आयुर्वेद के CEO आचार्य बालकृष्ण हैं। लोगों तक जब ये मैसेज पहुंचेगा तो लोगों को जो विश्वास है पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर या जो पतंजलि क्लेम करता है उस पर जरूर ही इरोजन ऑफ ट्रस्ट होगा कि उनको लगेगा कि अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब तक बोलती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, तो कुछ ना कुछ इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये मैसेज, जैसे जैसे ये खबर फैलेगी, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी, लेकिन उससे पहले ही बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से मुद्दे को हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इधर राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के सारे धुरंधर अब मैदान में उतर चुके हैं और 25 नवंबर को मतदान के पहले पार्टी अपना आखिरी दांव भी खेल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को सबक सिखाएगी। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। नड्डा जी, राजस्थान चुनाव का प्रचार अब खत्म हो रहा है, जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं आपको क्या हालात दिख रहे हैं, वहां पर जो चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो रहा है जिसको आपको लगता है कि जो परंपरा रही है, जो रिवाज रहा है बदलने का, वो होगा और बीजेपी सरकार में आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अच्छे मतों से बन रही है। कारण स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियां चलाई वह नीचे तक पहुंची हैं और लोगों को विश्वास हुआ है कि सरकारें सबके लिए काम करती है। राजस्थान की जनता बहुत ही नाराज है और उनको सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन गहलोत को लगता है कि कहीं ना कहीं जो गारंटी है उनकी, जो 7 गारंटी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो गारंटी के जो है वो जनता को भी गारंटी दिलाएगी। ऐसा है कि सबसे पहली बात समझने की है कि कौन बोल रहा है। ये वो बोल रहा है जिसने किसानों को कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे, 19,400 किसान डिफॉल्टर बनाए और उनकी जमीनें कुर्की। ये कौन बोल रहा है जिसने कहा था कि युवाओं को हम बेरोजगार भत्ता देंगे और ये इन्होंने 19 बार पेपर लीक किया और कोई भी भर्ती नहीं हुई। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जिन्होंने कहा कि हम सुशासन देंगे और रेप में और महिला उत्पीड़न में ये नंबर एक पर आ गया। ये कौन बोल रहा है? अशोक गहलोत। ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने दलित के उत्पीड़न में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सबसे पहली चीज होती है पार्टी की क्रेडिबिलिटी और उसके बाद लीडर की क्रेडिबिलिटी। वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इस वक्त राजस्थान के चुनावी रण में अपना दमखम आजमा रहे हैं और रोड शो के साथ साथ हवाई यात्राएं कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत में उनसे भी बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राजस्थान में चुनावी माहौल है और सियासी दौरे लगातार हो रहे हैं, बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हालांकि राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम राजनीति में अपने एक चरम पर है, लेकिन विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान का उन्हें किंग कहा जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सियासी पूरा गणित चल रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि काउंट डाउन शुरू हो चुका है? देखो, ऐसा है, आपने पूरे 5 साल देखा, गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार चरम पर था, पेपर लीक सारे हुए, बेरोजगार सड़कों पर उतरे, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर रही, एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको भट्टी में फेंक दिया जाए, इससे बड़ी कोई शर्मनाक स्थिति हो सकती है क्या? और तुष्टिकरण चरम पर रहा। जो सनातनी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो PFI से जुड़े लोग हैं उनको जुलूस निकालने दिया गया।